कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस पीके चव्हाण ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता को साक्ष्य के रूप में नए दस्तावेज कोर्ट के सामने रखने की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके चव्हाण ने यह भी कहा कि ये मामला एक दशक पुराना है और इसका जल्द से जल्द भिवंडी कोर्ट निपटारा करे। साथ ही दोनों पक्षों को अदालत का सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। साल 2014 का है मामला। दरअसल ये मामला एक दशक पुराना है। राहुल गांधी पर ये मुकदमा 2014 में किया गया था। इसमें आरएसएस के एक कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मुंबई के ठाणे जिले के भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि याचिका कोर्ट में दायर की थी। राजेश कुंटे ने आरोप लगाया कि भिवंडी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का गुनहगार आरएसएस को ठहराया था। भिवंडी हाईकोर्ट का फैसला हो गया था खारिज। 9 साल पहले इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब 2023 में भिवंडी मजिस्ट्रेट ने इस केस में राजेश कुंटे को राहुल गांधी के भाषण की नकल के साथ कुछ और नई तहरीर पेश करने की इजाजत दे दी। भिवंडी कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे जस्टिस पीके चव्हाण ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए भिवंडी कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इससे पहले राजेश कुंटे ने भिवंडी अदालत के सामने साक्ष्य के रूप में नए डॉक्यूमेंट्स को रखा था और उस समय मजिस्ट्रेट ने इन सारे कागजातों को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इजाजत दी गई थी। मजिस्ट्रेट के इसी आदेश को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। राहुल गांधी के वकील कुशल मोर ने कहा कि कुंटे को अपने सबूत के आधार पर याचिका दायर करनी चाहिए थी। वहीं राजेश के वकील ने अपने बयान में कहा था कि दाखिल किए गए दस्तावेज में कुछ भी गलत नहीं है, वे साबित कर चुके हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया फैसला किसी भी तरह से गलत नहीं। बता दें कि 2014 से ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के केंद्र में आकर प्रत्यक्ष राजनीति कर रहे हैं। वो विपक्ष का मजबूत चेहरा है। इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, हालांकि अब भी उनके बयानों को बीजेपी विवादित बताती रही है। हाल ही में उन्होंने संसद में एक बयान दिया जो काफी वायरल हुआ और बीजेपी ने उसे आड़े हाथों लिया। बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी ने देश के हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। सुनिए वो पूरा भाषण। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा इनसाइड बिकॉज़ ऑफ हिज। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।